हेलो गाइस, इस वीडियो में बात करने वाले हैं इस प्यार को क्या नाम दूँ शो के लिए स्टार कास्ट के बारे में। जैसा कि आप जानते होंगे, वरुण शोभती और शनाया रानी को दोनों ही बहुत ही ज़्यादा लोगों के फेवरेट एक्टर एंड एक्ट्रेस रहे हैं, और ये जो जोड़ी है ना, वो लोगों के दिलों पर आज भी राज करती है। यही वजह है कि जब भी शो के सीजन 4 का नाम आता है, लोग इसी जोड़ी की डिमांड करते हैं। और फाइनली बता दें, इस तरह से खबर निकल कर सामने आ चुकी है कि ये जोड़ी एक बार फिर से आपको देखने को मिलने वाली है। जी हाँ, एक बार फिर से आपको एंटरटेन करने आ रहे हैं खुशी और अर्णव। एक्साइटेड हो जाइए। कितना ज़रूर से अगर बात करी जाए तो फैंस इस बारे में जो सुन लेते हैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। सो डेफिनेटली आपकी एक्साइटमेंट एक बार फिर से ज़ोरों शोरों से होने वाली है, क्योंकि जिस तरह से खबर सामने आई है ना, डेफिनेटली एक्साइटमेंट तो होगी ही। खुशी और अर्णव की बात करें, आप लोगों को पता होगा खुशी यानी कि शनाया रानी अभी इस बार अगर देखा जाए तो इंटरव्यूज़ के दौरान उनकी बातें काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई हैं कि वो डेली शो में नहीं आना चाहती हैं, रोबोटिक कैरेक्टर नहीं करना चाहती हैं। यही वजह है कि अब आपको जो इस शो का सीज़न 4 है या फिर शनाया रानी से जितने भी रिलेटेड शो हैं, वो आपको OTT प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलेंगे, शॉर्ट फिल्म में देखने को मिलेंगे, वेब सीरीज़ में देखने को मिलेंगे। सो जो ये शो है यानी इस प्यार को क्या नाम दूँ शो का सीज़न 4 है, वो भी आपको OTT के ज़रिए ही देखने को मिलने वाला है। सो कितना एक्साइटेड हैं आप इस शो के लिए, शनाया रानी को एक बार फिर से खुशी के कैरेक्टर में देखने के लिए। लेकिन बावजूद इसके कहीं ना कहीं फैंस को थोड़ा सा एक बैड न्यूज़ तो होगी ही, क्योंकि फैंस की अगर बात करें तो इस जोड़ी को वो लंबे टाइम तक देखना चाहते हैं। कहीं ना कहीं उनका ये टारगेट था कि अगर शो सीज़न 4 आएगा, डेफिनेटली वो पूरी कोशिश करेंगे कि शो की TRP हाईएस्ट जाए। तो ऐसे में अगर वो OTT पर आएगा तो डेफिनेटली आप लोगों को पता है कुछ ही एपिसोड्स के बाद शो ऑफ़ चला जाएगा। तो फैंस ये नहीं चाहते थे, वो डेली शो में देखना चाहते हैं। सो देखते हैं, अभी उम्मीद बाकी है, क्योंकि अभी सिर्फ खबरें सामने आ रही हैं, क्योंकि ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है तो कुछ भी क्लियर नहीं बोला जा सकता। सो क्या कुछ कहना है आपका इस बात पर, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये जोड़ी आपको OTT के ज़रिए देखने को मिलने वाली है, फिलहाल इस तरह से खबर सामने आ रही है। जो भी एक्साइटमेंट है कमेंट ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे हो तो लाइक शेयर करना ना भूलना, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।